आज हम यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग कैसे मोबिक्विक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसका फायदा क्या है। ठीक है, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा एंड तक ये वीडियो देखिए। यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस करूंगा मोबिक्विक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसका कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, ये सब कुछ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो पहले हम लोग को जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। सो हम यहाँ पे टाइप करते हैं प्ले स्टोर। हाँ, ये मेरा प्ले स्टोर है। सो प्ले स्टोर टाइप करने के बाद यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने सर्च ऑप्शन में सर्च किया। यहाँ पे मेरा मोबीक्विक ये अकाउंट है। सो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है। सो मैं जस्ट यहाँ पे एक ओपन में क्लिक करता हूँ, ओपन। हम ये आ रहा है मेरा अकाउंट। हाँ, यहाँ पे आपको एक नंबर देना पड़ेगा जिस नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। सो मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ एंड गेट ओटीपी में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको अलाउ करना पड़ेगा मैसेज आने का। सो ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरा ओटीपी आ गया। ओके, सो अभी सबमिट ओटीपी। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा बैंक का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, सो ये सब आप बाद में भी दे सकते हो। आप अगर अभी देना चाहो तो आप जस्ट अपना आपका जो बैंक है उसमें क्लिक कीजिए और वहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और अगर आप बाद में देना चाहो तो जस्ट आप उसको स्किप कीजिए। यहाँ पे देखिए स्किप ऑप्शन है, आप स्किप कीजिए, देन अलाउ में जाइए। इसके बाद आपको मिलेगा ईमेल आईडी का ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 3 ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है, या आप अगर नया कुछ क्रिएट करना चाहो तो उसमें आप एंटर कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन है जैसे आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी में क्लिक करके कंटिन्यू में जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। अभी इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये है आपका, ये देखिए ये आपका लोकेशन कहाँ पे है वो दिखाएगा। आप अलाउ कर दीजिए इसको। ये आपका जो मैसेज कॉल ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा। सो एक्चुअली हम लोग मोबीक्विक अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ से जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कर पाओगे, डीटीएच रिचार्ज कर पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे पाओगे, और भी बहुत सारा ऑप्शन है जैसे आप लैंडलाइन, गैस, इंश्योरेंस, ये सब, ब्रॉडबैंड, ये सब का जो आप ऑनलाइन पेमेंट आप ये अकाउंट से कर पाओगे। ठीक है, इससे जैसे आपका बैंक ट्रांसफर, बस, लोकल सर्विस, ये सब कर पाओगे आप। ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, सब कुछ आप बुकिंग कर पाओगे यहाँ से। सो ये एक्चुअली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ये अकाउंट बहुत ही यूज़फुल है। और एक चीज़ है, इसके साथ आपको केवाईसी करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार का नंबर यहाँ पे लिंक करा के वो केवाईसी कीजिए। तो यहाँ पे तब आपको कुछ कैशबैक भी मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए टू गेट द मोर अपडेट। थैंक यू।